वेलकम स्टूडेंट्स मैटरिन अवर सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स आज एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जिससे एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है सुनिएगा ध्यान से। अगर किसी कंटेनर में सपोज एक ग्लास है, इस ग्लास में मैं कोल्ड वाटर ऐड कर देता हूँ, कोल्ड वाटर, एक खाली ग्लास है, इस खाली ग्लास में मैंने क्या किया, ठंडा पानी जो है इसके अंदर डाल दिया। तो कोल्ड वाटर जैसे इसके अंदर हम डालेंगे तो क्या होगा कि एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा, इस ग्लास के जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के बाहर से कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसके अंदर हम कोल्ड वाटर ऐड करेंगे, इस ग्लास के अंदर जैसे कोल्ड वाटर ऐड करेंगे तो इस ग्लास के इस सरफेस पे जहां जहां पर पानी है यहां तक वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आए। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आए, ये क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर क्वेश्चन में लिखा है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो स्टूडेंट्स इसमें आइस कोल्ड वाटर, बिल्कुल कोल्ड वाटर हमने डाला है, कोल्ड वाटर डालते ही इस ग्लास के सरफेस के बाहर से, इस ग्लास के सरफेस से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो बताइए रीजन क्या है, क्यों ये, कहाँ से आए वाटर ड्रॉपलेट्स। तो क्या ये ग्लास लीक कर गया, नहीं ग्लास तो लीक नहीं किया, ग्लास तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझिए क्या है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं एयर, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर जो है उसके अंदर ढेर सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उसके साथ साथ एयर के अंदर हमारे सराउंडिंग जो है वाटर ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने इस कंटेनर में वाटर डाला, कोल्ड वाटर डाला, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं ये क्या करेंगे, इस कोल्ड सरफेस के साथ अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे और जा करके इस सरफेस से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इस सरफेस के ऊपर आकर के डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पर वाटर जो है इकट्ठा होता हुआ दिखाई देगा। सो दैट इज द रीजन, मतलब जो ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर जो होती है, नमी जो होती है हमारे सराउंडिंग एयर में, तो उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो आकर के इसके सराउंडिंग जो है जुड़ जाते हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स होते हैं ना, वाटर वेपर्स इसके आकर के सराउंडिंग जुड़ जाएंगे, जिससे वाटर ड्रॉपलेट्स हमें यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। सो दैट इज द रीजन, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं मैटर की कुछ टू स्टेट्स और रहते हैं, जैसे कि मैटर के हमने बेसिकली थ्री स्टेट्स पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा दो स्टेट और हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो उन स्टेट्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टेट ऑफ मैटर में, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम जानते हैं कि मैटर की बेसिकली थ्री स्टेट्स हमने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनके अलावा दो स्टेट और हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। द फोर्थ वन इज द प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज द BEC, इज द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो स्टूडेंट्स इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्टिंग द फ्री चार्ज पार्टिकल्स, जो फ्री चार्ज पार्टिकल्स को क्या करती है, कंसिस्ट करती है, विच एव कैरी द फ्री चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, फ्री चार्ज, चार्ज क्या होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होते हैं ना, उन चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, कंसिस्टिंग द फ्री चार्ज पार्टिकल्स, उनके ऊपर पर्टिकुलर कोई चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के एग्जांपल्स है जैसे कि लाइटनिंग, जो बारिश के दिनों में जो बिजली कड़कती है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज द लाइटनिंग, दैट इज द ऑल्सो स्टेट ऑफ मैटर विच इज कंसिडर्ड इन द प्लाज्मा इज द एग्जाम्पल। द सेकेंड एग्जाम्पल इज द स्टार्स, जितने भी आसमान में तारे हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्लाज्मा, वो सभी प्लाज्मा की स्टेट में कंसिडर किए गए हैं। चाहे हम उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं सन को, सन इज द ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लाज्मा, स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा प्लाज्मा का स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिफ्थ स्टेट है हमारा BEC, BEC इज द
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को कैसे बनाया गया, तो देखिए ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसको बनाने के लिए दो साइंटिस्ट ने अपना एफर्ट लगाए थे। वो साइंटिस्ट थे, एक तो थे सत्येंद्र नाथ बोस एंड दो और दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इन दोनों ने मिलकर के इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रेडिक्ट किया था। कैसे बनाया गया, तो इसके लिए आपको मैं जनरल नॉलेज दे दूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने कुछ गैसेस के बोसोन्स लिए और उनको लो डेंसिटी और एब्सोल्यूट जीरो मतलब वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर इन्हें रखा गया। तो इससे क्या हुआ कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर प्रेडिक्ट हुआ, जिसको नाम दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसका नेम कैसे रखा गया वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो सत्येंद्र नाथ बोस थे इनके नेम से कंसिडर किया गया बोस, ठीक है। तो ये हो गया बोस। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन, इनके नेम से कंसिडर किया गया आइंस्टीन। तो बोस सत्येंद्र नाथ बोस के नेम से लिया गया और अल्बर्ट आइंस्टीन का आइंस्टीन। तो दोनों साइंटिस्ट के नेम यहाँ पर रखे गए हैं बोस आइंस्टीन। इन्होंने गैसेस को कंडेंसेट किया और मैटर का फिफ्थ स्टेट जो है कंसिडर कर दिया। ये अराउंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1920 में प्रेडिक्ट किए गए हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, ठीक है, इंटरनेट से अगर आप सर्च करोगे तो उसमें आपको मिलेगा ये लगभग 1923 या 24 के सराउंडिंग, ठीक है, ये आपको स्टेट जो प्रेडिक्ट करते मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गए हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आपका प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी एक्सप्लेन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वांटिटीज जो होती हैं उनके यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है। जो क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स को कैसे हमें सिंबल्स यूनिट्स को याद करना है, उसके सिंबल्स को हमें लर्न करना है और यूनिट के बारे में कुछ हमें समझना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, ठीक है। तो क्वांटिटी यहाँ पर लिया है मैंने, जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें अलग अलग यूनिट्स हम यूज़ करते रहे हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है, इन तीनों से मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को। लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम से जो यूनिट तैयार किया है, दैट इज़ नोन एज द केल्विन, उसे केल्विन कंसिडर किया गया है, जिसका सिंबल होता है के, जिसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा टेम्परेचर से, टेम्परेचर जिसको हम यूनिट कंसीडर करें केल्विन, जिसका सिंबल रहेगा कैपिटल के। उसके बाद अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ को मेजर करने के लिए वैसे हम काफ़ी सारे यूनिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी जो लेंथ होती है उसको मापने के लिए हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एटसेट्रा बहुत सारे यूनिट्स यूज़ करते हैं। लेकिन इसका एसआई यूनिट जो है लेंथ का वो फिक्स रहता है, दैट इज़ द मीटर। मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ, ठीक है, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें मास की, ठीक है, मास और वेट के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा, तो ध्यान देना यहाँ पर। तो मास का जो यूनिट रहता है दैट इज द किलोग्राम, ठीक है, और जो है उसको हम केजी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किलो क्या होता है, ठीक है, ग्राम तो कंसीडर हो गया, ये किलो क्या है। तो किलो क्या होता है स्टूडेंट्स, 10^3 को हम बोलते हैं किलो, ठीक है, 10^3 को हम बोलते हैं किलो। तो ये होता है किलो। तो अब देखिए इस किलो को यहाँ पर मैंने लिखा है केजी, ठीक है। अगर सपोज ये 1 kg है तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, के की वैल्यू रख देंगे, और के किसके बराबर होता है, किलो किसके बराबर होता है, 10^3 के, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। अरे बात समझ में स्टूडेंट्स, तो देखिए 1000 ग्राम यहाँ पर हो गए। कैसे हुआ, क्योंकि 10^3 का मतलब क्या है, 1000। तो यहाँ पर देखो के की वैल्यू 1000 रखो तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसका नेम रखा गया किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम हम यूज करते हैं। अगर बात करें वेट की, तो वेट का यूनिट रहते हैं न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, मास इज ऑलवेज फिक्स्ड किसी भी कंटेनर में। मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने थोड़ा वाटर ले लिया, तो इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसका मास है, ठीक है। अब जितने मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये 200,000 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो 200,000 मॉलिक्यूल अगर ये है, 200,000 से तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इतने वाटर में, तो इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। सपोज ये मिलियंस यहाँ पर हम लिख देते हैं, मिलियंस मान लीजिए कि यहाँ पर
वाटर के मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये फिक्स रहेंगे, ये इसका मास जो है फिक्स रहेगा, ठीक है, ये मास जो है इसका कभी भी चेक करोगे ये हमेशा फिक्स रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होता, मास के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ना तो इसको बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मास हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे कि चौक है, ये चौक जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के इसमें जितने मोलिक्यूल्स हैं वो उसका मास है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं इसकी वेट की बात करूँ कि इसमें वेट कितना है, तो वेट जो है वो कभी फिक्स नहीं होता है, वेट जो है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ में होता है वो अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी अगर अपनी तरफ किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वेट आता है। जैसे कंप्यूटराइज के ऊपर हम अपना वेट करते हैं, ठीक है, वेइंग मशीन जो होती है ना कंप्यूटराइज, तो क्या होता है कि हम उसके ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जैसे ही खड़े होंगे तो ग्रेविटी अपना फोर्स जो है अपने हमारी बॉडी को नीचे की तरफ खींचेगी, तो वो जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी है वो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, दैट इज द वेट, ठीक है स्टूडेंट्स। मास हमेशा फिक्स रहेगा लेकिन वेट जो है चेंज होता है। हम उसी को जैसे कि सपोज मैंने इस चौक को मैंने इसका वेट किया फिलहाल अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या है कि ग्रेविटी काफी ज्यादा है तो इसका वेट जो है जो कंसीडर होगा वो हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर इस चौक को मैं कहीं ऐसी जगह पर ले जाऊं जहां पर ग्रेविटी जो है वो कम है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा इसका वेट कम आएगा, तो इसका वेट क्या हुआ फिक्स नहीं हुआ। तो वेट कभी भी फिक्स नहीं होता, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी वो चेंज होता रहता है, लेकिन मास हमेशा फिक्स होता है। मास क्या होता है? जिस भी मटेरियल से, जैसे कि चौक जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना है तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के ढेर सारे मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो उनका मोलिक्यूल का जो मास है वो फिक्स है। अरे बात समझ में, ठीक है, तो देखिए मास हमेशा फिक्स होता है लेकिन वेट जो है कभी फिक्स नहीं होता, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी चेंज होता रहता है। तो वेट का जो है यूनिट रहता है न्यूटन और सिंबल होता है उसका एन। उसके बाद बात करें तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस इज ऑक्यूपाइड एनी सब्सटेंस, किसी के द्वारा घेरा गया जो जो एरिया है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे कि ये चौक है, इसको मैंने यहाँ पर रखा है, तो इस ये यहाँ पर ये जो सरफेस है इसका सरफेस एरिया, ठीक है, दैट इज अ वॉल्यूम, जितना इसने जगह ऑक्यूपाई कर रही है दैट इज अ वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है ये इसका क्या रहता है? फिक्स रहता है, सॉरी वॉल्यूम जो रहता है इसका यूनिट जो है फिक्स रहता है, वो है क्यूबिक मीटर, जिसको एम क्यूब से स्मॉल एम के ऊपर पावर 3 हम कर देते हैं, इसका सिंबल कंसीडर हो जाता है। उसके बाद बात करें डेंसिटी की, ठीक है, तो डेंसिटी की बात चैप्टर में पहले हम कर चुके हैं, ठीक है, तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जिसका सिंबल होता है केजी एम की पावर -3, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर का मतलब क्या होता है? -3 पावर में आ जाता है, ठीक है, पर का मतलब माइनस होता है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है? अब देखिए जैसे कि आपने देखा होगा जब भी किसी गाड़ी साइकिल या बाइक के टायर में जब हवा भरी जाती है तो उसमें जो है एक प्रेशर चेक किया जाता है कि भाई कितना प्रेशर हो गया है जितनी इसके अंदर हवा भरी है, एयर प्रेशर इसके अंदर कितना डाला है, तो उसी प्रेशर को मेजर किया जाता है पास्कल में। अब वो प्रेशर कितना है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर एयर जो है फिल की जाती है, अदरवाइज जो है वो फट सकता है अगर उसमें एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा एयर हम डाल देंगे। तो इसीलिए प्रेशर को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट होती है, दैट इज द पास्कल, जिसका सिंबल होता है पीए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुए हमारी सभी यूनिट्स, ये क्वांटिटीज आपको याद रखें, टेम्परेचर, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, ये उनके यूनिट्स के नेम याद रखिए कि क्वांटिटी की यूनिट्स कौन सी है और ये उनके सिंबल्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए।